दोस्तों आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं वो कोर्स बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और मेरा मानना है कि आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी किसी ना किसी जॉब में आपका चयन सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज, वोकेशनल स्टडीज मेरा कहने का मतलब आपका यह है कि बैचलर में आप कोई भी कोर्स जो 3 साल के कोर्सेज करते हो जहां प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रैक्टिकल को ज्यादा तवज्जो दी जाती है और प्रैक्टिकल से ही क्योंकि आप आगे जाकर जो भी टेक्निकल फील्ड्स होते हैं मतलब जहां पर प्रैक्टिकली ही काम किया जाता है, थ्योरी का इतना ज्यादा उसमें रोल नहीं होता, तो उन्हीं सब चीजों के लिए बीवोक नाम के जो कोर्सेज आए, कोर्सेज में इसलिए बोल रहा हूं बहुत सारे कोर्सेज के अंदर आते हैं, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज को बोलते हैं या फिर बैचलर ऑफ वोकेशन भी बोलते हैं सिंपल मैनर में और शॉर्ट फॉर्म में इसको बीवोक भी बोलते हैं। 3 साल का कोर्स होता है, बैचलर डिग्री होती है ये, बट कुल मिला के अगर आप देखते हैं तो इसको ये बोल सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है। और दोस्तों प्रैक्टिकली ज्ञान लेने के बाद में, प्रैक्टिकली नॉलेज लेने के बाद में अलग अलग फील्ड्स में, इंजीनियरिंग का फील्ड हो या मेडिकेयर का हो, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, मैनेजमेंट, कॉमर्स, बैंकिंग और ऐसे कई सारे सेक्टर्स होते हैं जिनमें आपको जॉब मिलती है, जॉब लेने के बाद में आप टेक्निकली प्रैक्टिकली जो आपने सीखा था या कहीं पर जो आपने ट्रेनिंग ली थी उसके आधार पर ही आप जॉब करते हैं। बीवॉक के बारे में सारे आपके डाउट्स आज मैं क्लियर करूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। बी वोकेशनल के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों बी वॉक के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए तो पहले शॉर्ट फॉर्म में आप ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिकली जब आप किसी भी कोर्स को करते हैं या प्रैक्टिकली ज्यादा करते हैं, वैसे तो अगर हम इसका अगर मैनर देखें तो इसमें 40% थ्योरी है, 60% प्रैक्टिकल है, तो 60% जो प्रैक्टिकल है उसकी भी ट्रेनिंग लेने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में जाते हैं, अलग अलग कंपनीज में जाते हैं, अलग अलग लेबोरेटरी में जाते हैं या जहां पर भी उन्हें वो प्रैक्टिकल सीखने को मिलता है वहां वो जाके ज्वाइन करते हैं। आपको कोर्स करना है बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज या बैचलर ऑफ वोकेशन या फिर सिंपल वे में बी वॉक। 3 साल का ये दोस्तों कोर्स होता है जो अंडर ग्रेजुएट पैरा प्रोफेशनल कोर्सेज भी इसको बोलते हैं जो ऑफर किए जाते हैं स्टूडेंट्स को और इसमें बहुत सारे दोस्तों कोर्सेज हैं। बहुत सारे कोर्सेज को अगर मैं इलेबोरेट करूं तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा शायद वीडियो में, इतने सारे कोर्सेज के अंदर होते हैं सबको अगर हम डिटेल में हम बात करें। बट 3 साल का कोर्स है, बैचलर डिग्री आप इसको बोल सकते हैं, बी वॉक की जो बात कर रहे हैं अभी हम। दोस्तों आप इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी भी एक मेडिकल इंडस्ट्री में मतलब काम करते हैं या ब्लड टेस्ट करते हैं, कुछ भी ऐसा एक टेस्टिंग हो सकती है जहां पर कि प्रैक्टिकली ही आप सबसे ज्यादा करते हैं बट आपके पास क्लासेस लेने के लिए उतना वक्त नहीं होता या फिर आप चाहते हैं ज्यादा एक्सपोजर लेना, एक्सपोजर के अंदर प्रैक्टिकली आप कितना कुछ सीखते हैं। डोंट बी क्वालिफाइड, बी एजुकेटेड। एजुकेटेड मैं इसीलिए बोलता हूं कितना प्रैक्टिकली चीजें आपको आती हैं। हम जब थ्योरी कोई चीज सीखते हैं, थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद में जब फील्ड में निकलते हैं तो असली दुनिया कुछ और ही होती है और बीवॉक उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है क्योंकि आपको प्रैक्टिकली सब कुछ सिखाता है इस कोर्स के अंदर। दोस्तों बी वोकेशनल के, बी वॉक के किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्स के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो सही तरह से प्लेसमेंट भी आपको देंगी और सही तरह से प्रैक्टिकली चीज सिखाएंगी भी, उन सबको जानने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें या फिर हमें व्हाट्सएप करें किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, हम भी आपकी उसमें मदद बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों आप कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाई अप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन MBA होता है या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाई अप करना चाहते हैं तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज AAEIU जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। अब ये मांग लीजिए कि बीवॉक जो है वो कौन कौन सी वैरायटीज में या यूनिवर्सिटीज में जो कोर्सेज चलाए जाते हैं, किन किन सेक्टर्स में आप करते हैं, कुछ सेक्टर्स में आपको बता देता हूँ बाकी आप समझ जाएंगे डिसिप्लिन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, मेडिकेयर में कर सकते हैं, आर्ट्स में कर सकते हैं, साइंस में भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट में बहुत सारे कोर्सेज है, कॉमर्स में भी, बैंकिंग एप्लीकेशंस में भी, कंप्यूटर में भी और साथ में फूड मैनेजमेंट में भी, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिस सेक्टर्स में आप जाकर बी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और जो इंडिया में जो करने की जो परसेंटेज चाहिए, 12th पास होनी चाहिए आपकी,
50-60% के बीच में आपकी जो भी परसेंटेज है, मतलब इन टोटल आप ये मान लीजिए 50% से ज्यादा आपके मार्क्स होनी चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। 12वीं आपकी पास होनी चाहिए, किसी भी एक जो रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त जो बोर्ड होते हैं वहां से आप पास होने चाहिए, और या फिर आपने डिप्लोमा किया हो तो भी आप कर सकते हैं इस कोर्स को। और कोर्स को करने के लिए फीस की भी अगर हम बात करें, इतनी ज्यादा फीस भी नहीं है। सरकारी संस्थाओं में जाओगे तो ये फीस 5,000 शुरू हो जाती है, बट प्राइवेट किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हो तो फीस वो 20,000 से शुरू होती है और 1,00,000 के बीच में पर ईयर की फीस हो सकती है, टोटल फीस भी हो सकती है, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। बट हाँ, जब आप बी वो कोर्स कर लेते हैं, बी वोकेशनल कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपको नॉलेज बहुत मिल जाती है क्योंकि प्रैक्टिकली ही इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है। अब कुछ चीजें जो आपको जानने वाली चीजें होती हैं वो क्या क्या है, 3 साल का कोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 साल कोर्स को आप कर सकते हैं, और 3 साल का कोर्स करने के बाद में बैचलर डिग्री होती है, ये बैचलर डिग्री ही आपको इसके अंदर मिलेगी। बी कोर्स जो फुल टाइम ही अवेलेबल होता है दोस्तों, इसको डिस्टेंस में आप कर नहीं सकते, डिस्टेंस में अवेलेबल होता भी नहीं। और डिस्टेंस में आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सारा का सारा जो जोर दिया गया है वो दिया गया है प्रैक्टिकल नॉलेज में, क्योंकि प्रैक्टिकली जब तक आप चीज सीखोगे नहीं तब तक जो फील्ड में आप जब आते हो, जो रियलिटी आपके सामने आती है, आप क्या पढ़कर आए हो, तभी पता चलेगी जब आप उसकी प्रैक्टिकली नॉलेज लेकर आओगे। बी वोकेशनल में एडमिशन लेने के लिए, बी वोक में एडमिशन लेने के लिए मेरिट बेस पर भी होता है, कई यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस भी कंडक्ट करवाती है डायरेक्ट, हालांकि आपका इजिली एडमिशन हो जाएगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करवाती है। और जितने भी स्ट्रीम्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर में जाओ, मल्टीमीडिया में जाइए, एनिमेशन में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाइए, ऑटोमोबाइल्स में जाइए, या मेडिकल लेबोरेटरी में जाइए, जो MLT कोर्सेज जो होते हैं उनमें आप जा सकते हैं, रिटेल मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग में जा सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जा सकते हैं आप, साथ में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में जा सकते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर आप वोकेशनल कोर्सेज की स्टडीज आप ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सब में आप चाहे तो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो इस कोर्स को करवाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। बी वोकेशनल दोस्तों, मैं ये मानूंगा कि बी वोकेशनल एक कंप्लीट एक पैकेज है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्स को करते ही कहीं ना कहीं जॉब चाहते हैं, प्लेसमेंट चाहते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कि जो ये कंपटीशन, जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें वह नाम कमा सकें या फिर आगे बढ़कर आ सकें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली वो किसी ना किसी काम में है, पर वो एजुकेशन लेना भी चाहते हैं, और इस कोर्स का सही मायनों में मतलब भी यही है कि प्रैक्टिकली आपको नॉलेज गेन होनी चाहिए, एक्सपोजर आपको मिलना चाहिए, और वो सारी की सारी जो कंडीशंस हैं पूरी कर देता है बी वोक कोर्स। बी वोक में सभी वो कोर्सेज दोस्तों, जो कोर्सेज करने के बाद में आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी और किसी भी तरह की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। बी वोक के किस कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हैं जो बी वोक कोर्स को करवाता है, उसके बारे में क्या डिटेल आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछना, हम रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। और साथ में ही नेक्स्ट वीडियो आप बी वोक के किस कोर्स पर चाहते हैं वो भी बताना, हम उस कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स लेकर आएंगे और कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज करवाती है उसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बी वोक के बारे में आपने जाना होगा। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह की एजुकेशनल और वीडियोस हम आपके लेकर आ सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।